किया था, रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इसको क्या बोलते हैं, रेट लॉस है तो माइनस है, डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। टी का मतलब बॉडी का टेम्परेचर, टी नॉट का मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये पहली चीज याद करने को कही थी। फिर मैंने कहा था कि कॉन्स्टेंट के लगा लो, कॉन्स्टेंट के मटीरियल पर डिपेंड करता है। अब इसमें अगर बॉडी का मास एम है और स्पेसिफिक हीट उसकी सी है, सी स्पेसिफिक हीट है, तो चेंज इन टेम्परेचर डी टी है, बॉडी को अगर ठंडा करना है, डी टी टेम्परेचर डाउन करना है, तो उसमें से हीट निकालनी पड़ेगी और बाहर फेंकनी पड़ेगी। कितनी हीट बाहर फेंकनी पड़ेगी, डी क्यू, डी क्यू क्या है, एम सी डी टी। तो इसमें टाइम से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी की ये जो वैल्यू है इसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, याद नहीं करना आपने कुछ भी, तो ऐसा कुछ बनेगा। यहां से सॉल्व होते हुए डी टी बाई डी टी एक तरफ, तो ये टर्म बनेगी, और छोटा कांस्टेंट मास स्पेसिफिक हीट का एक बड़ा कांस्टेंट बनेगा। और हमने ये फॉर्मूला याद किया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था प्रूफ मत करना, ये सारा जो मैं करवा रहा हूं बस ये फॉर्मूला याद कर लें। इस फॉर्मूले को यूज मैंने करना सिखाया था ऐसे, ये फॉर्मूला यहां से ड्राइव होके आया था, जिसमें ये चेंज इन टेम्परेचर है, जिसमें टाइम है, और टी फॉर बॉडी का टेम्परेचर, टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है। और मैं एग्जाम्पल भी बताया था, 60 से 40 डिग्री 7 मिनट में, तो चेंज इन टेम्परेचर, टाइम और एवरेज टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर। और 40 से टी कितनी देर में, चेंज इन टेम्परेचर 40 माइनस टी है, टाइम 7 मिनट है, एवरेज टेम्परेचर और 10 है, सॉल्व करके टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट, ऐसा हमने किया था। ये पहले टाइप का न्यूमेरिकल है जो आने ही आने, इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी और इस फॉर्मूले से सॉल्व होनी है। दूसरा पॉइंट है, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था और मेरे पास ये टर्म आ गई थी, इस टर्म में से याद कुछ नहीं करना, बताऊंगा क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करो टेम्परेचर वाली टर्म एक तरफ और टाइम वाली टर्म एक तरफ, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके याद नहीं करना कुछ भी, इंटीग्रेट करके ये आंसर आता है। ये जो आंसर है टी एंड टी नॉट, तो इसमें बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर की वैल्यू इसके इक्वल है, और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी का ये फॉर्मूला है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी का ये फॉर्मूला है, राइट। तो आज हम वो डाउट पूछते थे आप मेंस का भी, कि वो कैसे करना है, अभी आने वाला है, डेल्टा टी और टाइम का ये फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन आएगा डेल्टा टी और टाइम का रिलेशन, ये ग्राफ, करेक्ट ग्राफ मार्क करो। मेडिकल के लोग याद करेंगे, नॉन मेडिकल के लोगों को पता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा बनता है, डेल्टा टी और टाइम का ये ग्राफ है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, डेल्टा टी और टाइम का ग्राफ ऐसे मार्क करेंगे। दूसरी चीज, ग्राफ आएगा लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट वर्सेस टाइम का। तो अगर आप फिर से ऊपर चलें, यहां पे जब आप इसे इंटीग्रेट कर रहे थे, तो बीच में ना ये स्टेप आया था। इस स्टेप के अंदर अगर मैं इसे y एक्सिस मान लूं और टाइम को मैं x एक्सिस मान लूं, तो ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या बन जाएगी, स्लोप, एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, तो स्लोप इसमें माइनस के हो जाएगी। तो क्वेश्चन आएगा लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट वर्सेज टाइम का ग्राफ प्लॉट करो, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा विद अ नेगेटिव स्लोप माइनस के, तो करेक्ट ग्राफ मार्क करने को आएगा, तो ये करेक्ट ग्राफ मार्क करेंगे। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, दूसरी चीज, ठीक है। तो पहला ग्राफ ये रहा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, दूसरा ग्राफ ये रहा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में। तीसरी चीज जो आएगी इसमें, यहाँ तक तो मेडिकल वालों का काम है, नॉन मेडिकल कॉमन है, लेकिन अब जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो ओनली फॉर नॉन मेडिकल है, मेडिकल का काम खत्म हो जाता है यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़ याद आई, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट वो भी रह गई थी अभी, वो ये कि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है किसी भी बॉडी का, कि बॉडी कितनी जल्दी ठंडी होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम एंड सी है। तो क्वेश्चन में देगा, मान लो दो मासेज हैं, इक्वल मास है ए एंड बी, एक की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ, जो रेट एट टेम्परेचर डाउन होने का वो कम है। तो रेट जिससे कि टेम्परेचर डाउन होगा किसी भी बॉडी का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्पेसिफिक हीट और साथ में मास भी। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में डी टी बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम इनटू सी। तो रेट ऑफ कूलिंग भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ कूलिंग वैसे डी क्यू बाई डी टी होता है, पर डी क्यू बाई डी टी और डी टी बाई डी टी एक ही बात है, रिलेटेड होते हैं, तो एम इंटू सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है यहाँ तक। तो स्पेसिफिक हीट के हिसाब से डी टी बाई डी टी क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। तो नेक्स्ट है इसमें, इसमें अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हो सकता है नॉन मेडिकल वालों को शायद कभी काम आ जाए, एक लाइन में बता देता हूँ, मेडिकल वालों को तो जरूरत नहीं है इसकी। तो जब मैं ऊपर ये इंटीग्रेशन कर रहा था, ऊपर करनी नहीं है पर कर रहा था, तो ये टर्म आई थी, इंटीग्रेशन में अगर मैं लिमिट लगाऊं
कि मान लो इनिशियल टेम्परेचर किसी भी बॉडी का T1 है और फाइनल T2 है, और कितने टाइम में जीरो से टी ऐसा हुआ, इसको सॉल्व करके ये फॉर्मूला आता है। तो लिखना है तो नॉन मेडिकल में लिख सकते हैं लॉग ऑफ T1 माइनस T0 लॉग अपॉन T2 माइनस T0 इज इक्वल टू KT। तो जैसे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 60 से 40 हो गया, तो T1 कितना है 60, T2 कितना है 40, T0 क्या है सराउंडिंग और T टाइम है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था कि बॉडी का टेम्परेचर 60 से 40 हो गया 7 मिनट में, वो इस फॉर्मूले से भी हो सकता है, हालांकि जरूरत नहीं है, ऑलरेडी शॉर्टकट हमने किया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को अगर लगाना है तो बॉडी का टेम्परेचर T1 60 से 40 हुआ, तो ये 60, ये 40 और ये 7 मिनट है, ये पहला फॉर्मूला। और फिर 40 से टी कितनी देर में हुआ, 7 मिनट में, तो ये फॉर्मूला को पुट करके आंसर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये जरूरत नहीं है, मतलब इसको हम यूज नहीं करेंगे, बट नॉन मेडिकल वालों को अगर आंसर या क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन हो ऐसा, तो एटलीस्ट वो दिखना चाहिए कि कहां से आया। वैसे ये वाला फॉर्मूला मोर देन सफिशियंट है, ऐसे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ठीक है यहां तक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अब रिफ्लेक्टेंस और इसके ऊपर, मीन्स रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसको तो देखो, ये तो बड़ी लंबी कहानी है, थ्योरी पढ़ते जाओगे कुछ नहीं कराना मैंने आपको, 15 मिनट के अंदर इस टॉपिक को खत्म करना है। इस पूरे जो इतनी लंबी थ्योरी है उसमें से 5-4 पॉइंट जो बड़े काम के हैं, बस वो नोट करने हैं आपने, अब लिख लो, इसे पूरा चैप्टर पढ़ने से बच जाओगे, और इसी के बेस पे सारे न्यूमेरिकल आज खत्म कर देंगे। तो रूल नंबर 1, तो पहला फॉर्मूला लिखो, ये जो टॉपिक है अभी हमने क्या किया था कंडक्शन, फिर अभी क्या किया रेडिएशन, रेडिएशन में का मतलब है कि ऐसी मीडियम में एनर्जी को बाहर निकालना जिससे कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं। तो अब हम करेंगे रेडिएशंस के अंदर, रेडिएशन का मतलब रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को एमिट करना। तो इसके अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये लिखो कि अगर कोई भी सरफेस है उसके ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, तो उसमें से कुछ हीट बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, कुछ रिफ्लेक्ट करेगी, और कुछ क्या करेगी ट्रांसमिट करेगी। तो Q इज इक्वल टू R प्लस A प्लस T। तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से अगर Q अमाउंट ऑफ हीट आई तो बॉडी क्या करेगी, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगी रिफ्लेक्ट, कुछ एब्जॉर्ब और कुछ ट्रांसमिट। अगर मैं दोनों साइड्स को Q से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनता है। तो यानी कि 1 इज इक्वल टू स्मॉल R, स्मॉल A एंड स्मॉल T। तो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टेंस, इसको बोलते हैं सॉरी आर है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टेंस, और इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। ठीक है, ट्रांसमिटेंस। नंबर 2 नेक्स्ट है, जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए इसको फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है ये। इसका दूसरा नाम है एब्जॉर्प्टिव पावर। तो एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब है कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। जो नेक्स्ट है, सिंबल है ई नेक्स्ट का, इसको बोलते हैं इमिसिव पावर। इमिसिव पावर है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड
पर यूनिट एरिया फॉर एनी बॉडी, फॉर एनी बॉडी, ठीक, ये इमिसिव पावर है। तो इमिसिव पावर है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो अगर हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर टी कर दें तो अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगी, वो कितनी एनर्जी एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उसकी इमिसिव पावर है। जो नेक्स्ट है वो है कैपिटल ई, मतलब इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक। तो यानी कि कैपिटल ई का मतलब है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये एनी बॉडी है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो सिंबल चेंज किया कैपिटल ई पर मतलब सेम ही है, दोनों का दोनों मतलब इमिसिव पावर है। पुराने साल के पेपर ना आपको ये बता सकते हैं कि ये लेवल ये है, वो ये नहीं बता सकते कि अगले साल में क्या आएगा। 10 ईयर का बोर्ड का पेपर नहीं है, जो 3 साल में चौथा साल रिपीट होता है, पता नहीं क्या होता है, ट्रेंड ब्रेक कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर सुबह उठ के पता लगेगा कि फिजिक्स का पेपर इस शिफ्ट में टफ आया, ये भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत अखबार में ऐसा पढ़ा है, CBSE के अंदर ऐसा होता है, नेक्स्ट डे सुबह हम पढ़ते हैं और देखते हैं फिजिक्स का पेपर में बहुत लेंथी था या आता है उसमें टफ पेपर था, कोई बड़ी बात नहीं है, 5-7 क्वेश्चन टफ भी आते हैं, कुछ नहीं पता। तो आप ये बिल्कुल भी प्रिडिक्शन लेके ना चलो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, अब डर के चलो शायद ये भी आ जाए, तैयारी ऐसे करो, जो आएगा नहीं आएगा देखी जाएगी, जो ठीक समझ में आ रहा है। तो इसमें ये पॉइंट क्लियर है। अब इससे पावर होगी, अब मुझे पता है कि आर और ए और टी का जो सम होता है ना वो 1 होता है। अगर कोई बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं करती और सिर्फ क्या करती और ट्रांसमिट भी नहीं करती, सिर्फ क्या करती है एब्जॉर्ब, तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन अगर ऐसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो एनर्जी लेती रहेगी, एब्जॉर्ब करती रहेगी, छोड़ेगी नहीं, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, लेकिन प्रैक्टिकली परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती नहीं है, हाइपोथेटिकल है, ऐसे सोचते हैं कि ऐसा होता होगा, होती नहीं है। तो इसके अंदर परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर अपना टेम्परेचर अगर हम ले आए, मैं कहीं से ले आता हूँ चलो, और उसको उसका टेम्परेचर कुछ दे देता हूँ, तो अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगी, उसको उसकी उसको कैपिटली बोलते हैं, इससे पावर बोलते हैं। सब थ्योरी में एग्जैक्टली परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनेगी नहीं, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट डेफिनेशन है एप्सिलॉन इमिसिविटी है रेशियो ऑफ इमिसिव पावर of any body divided by emissive power of perfectly black body। इन दोनों के रेशियो को एप्सिलॉन बोलते हैं, emissivity। emissivity के कोई यूनिट्स नहीं है, ये कॉन्स्टेंट है, 1 से कम वैल्यू है तो फ्रैक्शन में होती है, ठीक हो गया यहां तक, डेफिनेशन समझ में आ रही है यहां तक, ये याद रखना। परफेक्टली ब्लैक बॉडी की emissivity 1 होती है,
नेक्स्ट है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली ई और ए एट एनी टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी बॉडी का ई और ए की रेशियो कांस्टेंट रहेगी और किसके इक्वल होगी, चाहे परफेक्टली ब्लैक बॉडी ले लो उनकी भी सेम रहेगी। किसी भी टेम्परेचर पे बॉडी की इमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर, देखो इमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर चेंज हो सकती है, हर बॉडी की डिफरेंट एमिसिव पावर, हर बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर भी डिफरेंट है, लेकिन रेशियो हमेशा सेम रहती है। तो जिस बॉडी की एमिसिव पावर ज्यादा है उसके एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा है। गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, ई बड़ा होगा तो ए भी बड़ा होगा। और मुझे पता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो ए की वैल्यू होती है वो पता है क्या होती है, 1। तो ये किरचॉफ का लॉ है, ई बाय ए इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक, हाँ जी ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट जो लॉ है जो जिसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं वो है स्टीफंस लॉ। स्टीफंस लॉ, स्टीफंस लॉ के अकॉर्डिंगली फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी स्मॉल ई, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैपिटल ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। यानी कि ये क्या चीज है, दिस इज एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उस बॉडी के टेम्परेचर के रेशियो ऑफ 4 के ऊपर डिपेंडेंट है और एक यहां पर कांस्टेंट लगेगा सिग्मा। तो ये लॉ है, लेकिन ये लॉ किसके लिए लगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सिग्मा की वैल्यू 5, 6, 7 और 8, क्या सही वैल्यू है इसकी, 5.67 × 10⁻¹⁸। तो ये याद रखना है, लेकिन ये रूल किसके लिए लगा, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है यहां तक, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, अगर मान लो बॉडी का टेम्परेचर तो है टी, लेकिन बॉडी एक चैम्बर में पड़ी हुई है जिसका टेम्परेचर है टी नॉट, तो उसका खुद का टेम्परेचर भी है, रूम का टेम्परेचर भी है टी नॉट। तो प्रीवोस्ट की एक थ्योरी है, प्रीवोस्ट साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि दुनिया में कोई भी बॉडी है वो हीट को अपने अंदर से निकालती भी है और सराउंडिंग से हीट लेती भी है, निकालती भी है लेती भी है, निकालती भी है लेती भी है। तो इसके अंदर जो एनर्जी वो बाहर निकाले, मान लो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ठीक है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो एनर्जी जो बाहर निकालेगी वो कितनी होगी, सिग्मा इंटू टी की पावर 4। और प्रॉब्लम ये है कि इतनी एनर्जी सराउंडिंग से वो एब्जॉर्ब भी करेगी, तो इसलिए एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया का ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कोई बॉडी किस में पड़ी हुई है, किसी भी सराउंडिंग में पड़ी हुई है, तो अगर किसी कोई बॉडी किसी भी सराउंडिंग में पड़ी हुई है तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है यहां तक, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, इसी के अंदर सपोज करो अगर वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो हमने ये रूल किया, ठीक है हमने ये रूल किया, तो कैपिटल ई की वैल्यू
क्या है, कैपिटल ई की वैल्यू स्मॉल ई बाय एप्सिलॉन है, यही है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की कैपिटल ई की वैल्यू क्या थी, सिग्मा इंटू टी की पावर 4, और अगर वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो रिजल्ट ऐसे हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा फॉर एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है उसकी एमिसिव पावर में एमिसिविटी भी आएगी, ठीक है। पर मतलब सिंपल है, तो अगर एनी बॉडी है तो एमिसिविटी लगानी है, तो दूसरे रिजल्ट में भी सेम रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ये लगाया एग्जैक्टली सेम रिजल्ट ये रहा, ऐसे आएगा। तो मेरे कहने का मतलब चार ही फॉर्मूलाज हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ये फॉर्मूला है, और अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो ये फॉर्मूला है, दो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो ये फॉर्मूला है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो ये फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूलाज हैं, इसके ऊपर स्टीफन लॉ काम करेगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है यहां तक ये फॉर्मूला? ये देखो, तो आपकी इसमें ये कुछ नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना है, सब हो गया। देखने बहुत थ्योरीज हैं इसमें, नहीं चाहिए, नहीं आपको कुछ नहीं चाहिए, सब हो गया इसमें। आप सीधा इसमें इस न्यूमेरिकल को देखें। और एक और चीज सच, ये भी याद रखना कि जो ई की वैल्यू है, जो ई की वैल्यू है, ई का मतलब ये रहा परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, तो ई का मतलब क्या है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यही है। तो कभी कभी क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड वो पावर ले लेगा, पावर, तो आप क्या लिखेंगे, पावर डिवाइडेड बाय, या पावर इज इक्वल टू दिस इनटू एरिया, एक ही बात है, एरिया को राइट साइड पे लेगा तो क्या बचेगी, पावर की वैल्यू बचेगी, ठीक है। तो पावर की वैल्यू भी इस तरीके से आ सकती है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को लिख लें, एरिया को यहां ले जाएं, एनर्जी पर सेकेंड पावर है, पावर की वैल्यू सिग्मा इनटू टी की पावर 4 इनटू एरिया, ठीक है यहां तक। अब शुरू करते हैं, ये देखो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 5.67 वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा है। तो आपको टेम्परेचर निकालना है, तो ये पता है कि आपको ये एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पता है, तो ये क्या है, इसकी एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर क्या होती है, सिग्मा इनटू टी की पावर 4, तो यहां से टी की पावर 4 से टी कैन बी कैलकुलेट, कैलकुलेशन पे ना जाएं बट वैसे समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है। तो मेथड समझ में आ रहा है, जैसे ल्यूमिनोसिटी ऑफ अ स्टार, ल्यूमिनोसिटी का मतलब एमिसिव पावर होती है, तो एमिसिव पावर फॉर अ स्टार इज 17,000 टाइम दैट ऑफ सन, सन से 17,000 गुना ज्यादा है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन गिवन है, स्टार का टेम्परेचर निकालना है, तो पहले सन के लिए फिर स्टार के लिए, टेम्परेचर सन का T1 है, स्टार का T2 है, एमिसिव पावर E1 है E2 है। कोई कहेगा ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो एमिसिविटी एमिसिविटी कैंसिल हो जाएगी, रिजल्ट यही रहेगा। तो T1 में एक टेम्परेचर पता है और ये रेशियो पता है, एमिसिव पावर की कितनी है 17,000, पुट करके आंसर आएगा। तो कैसे यूज करना है फॉर्मूला, क्लियर है? जैसे ये क्वेश्चन,
क्या क्वेश्चन है? ड्यू टू चेंज इन मेन्स वोल्टेज, पीछे से बिजली की वोल्टेज चेंज हुई, टेम्परेचर ऑफ अ बल्ब राइजेज फ्रॉम 3000 से 4000 केल्विन राइज कर गया, व्हाट परसेंटेज राइज इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम। देखो जब पावर है मैंने क्या सिखाया था, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इंटू एरिया, एरिया भी लगा लिया प्लीज हर जगह एरिया। तो पहले पावर क्या है, फर्स्ट बल्ब की सिग्मा इंटू 3000 का रेज टू पावर 4 इंटू एरिया, सेकेंड का ये रहा, तो इन दोनों को डिवाइड करके पावर की क्या आ गई, रेशियो आ गई। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन पावर, मुझे ये निकालना है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, P2 by P1 minus 1 into 100 निकालना है, क्योंकि P2 by P1 निकाल चुके हैं, यहां पे पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन पावर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है, ये कर लो। क्वेश्चन है, सपोज सरफेस एरिया ऑफ पर्सन बॉडी इज गिवन, तो किसी भी बंदे का सरफेस एरिया गिवन है, रूम टेम्परेचर गिवन है, स्किन का टेम्परेचर 27 है, तो बंदे का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का कम है, तो उसमें से हीट बाहर निकलेगी, तो एमिसिविटी ऑफ स्किन 0.97 है, एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है। तो कह रहे हैं एस्टिमेट रेट ऑफ हीट रेडिएशन, रेट ऑफ हीट रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। तो क्या लगेगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा कि सिग्मा इंटू टी की पावर 4 और टी नॉट रेज टू पावर 4, क्योंकि एनर्जी पर सेकेंड निकालनी है पावर, तो एरिया राइट साइड पे आएगा, और क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो एमिसिविटी भी आएगी, पुट करके आंसर। ठीक है यहां तक, तो कैसे सोचना समझ में आ रहा है, एमिसिविटी भी आएगी एरिया भी आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बात है। क्वेश्चन है, दो बॉडीज है ए एंड बी, वेसल के अंदर है, टेम्परेचर 27 है वेसल का, ए का टेम्परेचर पता है, बी का टेम्परेचर पता है, अब ए सराउंडिंग में हीट इमिट करेगी, बी भी करेगी, उसकी रेशियो बताओ क्या होगी। तो टी नॉट टेम्परेचर सराउंडिंग का पता है, फर्स्ट और सेकंड बॉडी का पता है, ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा इन टू, क्योंकि सराउंडिंग के अंदर जा रही है, तो ये फॉर्मूला ए बॉडी के लिए और ऐसी बी बॉडी के लिए, आपको रेशियो निकालनी है, इन्हें डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है, इसमें क्लियर है।
इसके बाद एक और लॉ है जिसका नाम है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको ये बताता है कि अगर आप किसी भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी को लें, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया में से पावर। तो कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी का अगर आप कोई टेम्परेचर रखें 998 जैसे, तो वो अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। वो कैसे एनर्जी एमिट करेगी, पहले कम करेगी, फिर एनर्जी ज़्यादा करेगी और फिर कम करनी शुरू हो जाएगी। तो ग्राफ देख रहे हो ऐसे बनेगा, तो बीच में एनर्जी मैक्सिमम एमिट होगी। तो जो एनर्जी एमिट होगी उस रेडिएशन की कोई वेवलेंथ होती है, तो लॉ कहता है कि वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं होती, एक लैम्डा के ऊपर रेडिएशन फेंकी नहीं जाती, स्पेक्ट्रम होता है पूरा। तो लैम्डा की वैल्यू भी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो एनर्जी कभी कम फिर ज्यादा फिर कम, पर लैम्डा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो एनर्जी जो फेंकी जा रही है उसका लैम्डा बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसी वैल्यू आएगी लैम्डा की, लैम्डा एम, जब एनर्जी जो बाहर रेडिएट हो रही है वो एनर्जी मैक्सिमम है, ये ई मैक्स है। तो ये लैम्डा एम नोट कर लिया। फिर सेम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, सेम एक्सपेरिमेंट किया, फिर एनर्जी कम ज़्यादा कम हुआ, पीक वैल्यू जो अचीव हुई वो कम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे हुई, तो लैम्डा की कम वैल्यू पे पीक जल्दी अचीव हो गई। फिर टेम्परेचर और इंक्रीज किया, कम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे हुआ, टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ, कम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे हुआ। तो रूल बना दिया, रूल ये बनाया कि लैम्डा इंटू टी इज़ अ कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला लिख लें प्लीज़। लैम्डा एम का मतलब वो वेवलेंथ जब एनर्जी एमिटेड किया है मैक्सिमम, और जिस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो लैम्डा इंटू टी इज़ अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की वैल्यू याद कर लें 2.9 × 10⁻³। देखो अप्रॉक्सीमेटली तीन है, ये तीन है, ये भी तीन है और ये भी तीन है, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे भी याद कर सकते हो 2.9 × 10⁻³। तो लैम्डा इंटू टी इज़ अ कॉन्स्टेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अंदर जो रिजल्ट है वो ये बताता है कि अगर आप इसका एरिया लें, अगर आप इसमें एरिया लें, किसी भी ग्राफ के अंदर एरिया लें, वो आपको परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर देगी, इज अ कॉन्स्टेंट बी। ये रहा लैम्डा एम, वो वेवलेंथ है जब एनर्जी मैक्सिमम निकली थी, लैम्डा मैक्सिमम नहीं है, एनर्जी मैक्स निकली थी, ठीक। तो एरिया अगर आप कैलकुलेट करें इसका किसी भी ग्राफ के अंडर एरिया, तो आपको परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया दे देगी। मतलब कि ये ग्राफ के अकॉर्डिंगली जितने टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो ग्राफ का एरिया ई उतना ही बड़ा आएगा, तो मतलब 4 × 4th power पे आएगा। टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे तो एरिया बहुत बड़ा कवर करेगा, क्योंकि ये स्टीफन लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ आपस में रिलेटेड है, ये बताया हुआ है। तो एग्जाम्पल करते हैं इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल।
वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू ई मैक्स, मतलब जब एनर्जी मैक्सिमम एम एफ होगी तो वो वेवलेंथ की वैल्यू आपको गिवन है लैम्डा एम। टेम्परेचर बताओ क्या होगा स्टार का, तो लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, तो टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। सरफेस टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज गिवन, फाइंड वेवलेंथ, जब एनर्जी मैक्स है लैम्डा एम निकालना है, तो लैम्डा इंटू एम इज अ कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से लैम्डा एम कैन बी कैलकुलेटेड। ये क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन हैज मैक्सिमम एट लैम्डा, सन का पता है, लैम्डा एम पता है जब एनर्जी मैक्सिमम सन बाहर निकाल रहा है, और टेम्परेचर भी पता है सन का। फिर एक स्टार है, स्टार का लैम्डा पता है जब एनर्जी मैक्सिमम निकाल रहा है पर टेम्परेचर नहीं पता, तो किसी भी चीज के लिए लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो यहां से टी डैश कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। नेक्स्ट देखो, क्या क्वेश्चन है, एन इनडायरेक्टली हीटेड फिलामेंट इज रेडिएटिंग मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वेवलेंथ गिवन, लैम्डा एम दे रहे हैं ना, तो टी तो आ ही जाएगा बॉडी का, तो बॉडी का टेम्परेचर आ गया, कह रहा है इस टेम्परेचर, तो पहले टेम्परेचर निकाल लो, बॉडी का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है 13 केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, तो ये बॉडी अपने अंदर से हीट को बाहर फेंकेगी, तो कितनी बाहर फेंकेगी, स्टीफन लॉ आंसर, तो बॉडी का टेम्परेचर टी तो हमने वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से निकालना है, और टी नॉट सराउंडिंग का पता है, तो यहाँ से आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी के एग्जांपल्स हमने देखे, थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर ना हमने ये एग्जांपल देखना है कि सपोज करो आपके पास एक सॉलिड नहीं, आपके पास एक शेल है, शेल ऐसा है कि शेल का इनर रेडियस तो ए है, थोड़ा थिक शेल है, और शेल का बाहर का रेडियस बी है, बाहर का शेल का टेम्परेचर T2 है, अंदर का T1 है, तो हीट मूव करेगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, ये मटेरियल है, अंदर ही अंदर कंडक्शन होगा, ये थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो मूव करेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हीट कितनी मूव करेगी, उसका फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस और इंटू टाइम डिवाइडेड बाई लेंथ। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप यहां से यहां आ रहे हैं तो जिस पोर्शन में से हीट ट्रेवल करती हुई जा रही है, यहां से यहां आ रही है, उसकी थिकनेस, उसका जो एरिया वो कम होता जा रहा है, पहले ज्यादा एरिया में से हीट एंटर कर रही है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, तो एरिया वेरिएबल है। अगर एरिया वेरिएबल है तो हीट एकदम नहीं निकलेगी, आपको स्मॉल एलिमेंट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन मेडिकल वालों के लिए तो नहीं कहूंगा, नॉन मेडिकल वालों को तो आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको बताना है कि dQ/dt निकालनी है, मेडिकल में नहीं आएगा, मतलब अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड इसमें कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है कि कांस्टेंट है, और आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है क्या है, तो dQ/dT की वैल्यू बतानी है, और T2 ग्रेटर देन T1 है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक शेल ले लेंगे, आर्बिट्री एक शेल लें जिसका रेडियस आर लें और थिकनेस dr लें, और टेम्परेचर डिफरेंस छोटा सा इसमें dT ले लें, इस छोटे से पेंसिल वाले पोर्शन में dQ/dT का फॉर्मूला लगाएं, k इनटू उसका एरिया कितना है जहां से पेनिट्रेट करेगी 4πr², और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है स्मॉल dT, और इसकी थिकनेस कितनी जिसमें पेनिट्रेशन होगी dr डिवाइडेड बाय tr। तो बस dQ/dt निकालना है जो कि कांस्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, r वाली टर्म्स एक तरफ, टेम्परेचर एक तरफ, क्योंकि शुरू में टेम्परेचर T2 से T1 पे आ रहे हैं, T2 से T1 पे आ रहे हैं, तो रेडियस b से a पे आ रहे हैं, आउटर से इनर, आउटर से इनर, तो आउटर से इनर, आउटर से इनर, तो यहां से इंटीग्रेट करें, मैथ्स के लोग कर पाएंगे, dQ/dt की वैल्यू निकालने ऑप्शन मार्क करें, इंटीग्रेशन का काम खुद कर लेना। तो आइडिया समझ में आ रहा है, सेम क्वेश्चन आया इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर।
तो सिलेंडर का रेडियस ए और बी सेम, सेंटर में टी टू से टी वन हीट ट्रांसफर कर रही है, ट्रेवल कर रही है अंदर से बाहर से अंदर, तो सेम प्रॉब्लम कि इसका एरिया फिर चेंज हो रहा है। तो आप एक शेल लेंगे बीच में, शेल की थिकनेस डी आर लेंगे, डी आर लेंगे, और सरफेस एरिया क्या लेंगे, आर्बिट्री शेल का 2 पाई आर एल। तो यहां से आर वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, आउटर से इनर आ रहे हैं, आउटर से इनर आ रहे हैं, तो 1 बाई आर डी आर लॉग आर, यहां से करते 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 डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आंसर। तो ये रूल समझ में आ रहा है कि जब एरिया चेंज होगा तो इंटीग्रेशन से डी क्यू बाई डी टी निकलेगा। ये क्वेश्चन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए आया भी हुआ है, ये आता भी है। आपके पास एक मान लो एक सिलेंडर है, दो मटेरियल से बना हुआ है, अंदर का मटेरियल K1 है और बाहर का मटेरियल K2 है, K1 एंड K2 है, ये रेडियस R है और ये रेडियस 2R है, ठीक है। हीट यहां से एंटर करेगी, वो ये कह रहा है कि दो थर्मल कंडक्टिविटीज हैं K1 एंड K2, दो किस्म के मटेरियल्स हैं, इन दो की जगह अगर मैं एक मटेरियल यूज करूं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के क्या होगी ये बताना है। तो के की वैल्यू मुझे बतानी है आपको क्या होगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो हीट फ्लोइंग पर सेकंड जब यहां पे जाएगी, उसमें से कुछ हीट फ्लोइंग पर सेकंड यहां पे जाएगी और कुछ यहां पे भी जाएगी, तो डिवाइड हो जाएगी, कुछ इधर और कुछ इधर जाएगी, ये रहा डिवाइड हो गया। तो इसके अंदर कितनी जाएगी, के वन, के वन एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है इसमें, चेंज इन टेम्परेचर, और लंबाई क्या है इसकी, एल। और ऐसी यहां पर कितनी जाएगी, यहां पर कितनी जाएगी, के टू। अब क्रॉस सेक्शन एरिया जो बाहर का होगा वो क्या होगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा, लेंथ भी सेम होगी, और अगर मैं इन दो की जगह एक मटेरियल यूज करूं तो रेडियस तो मैं 2R ही लूंगा, तो एक इफेक्टिव के पाई इंटू 2R का स्क्वायर, डेल्टा टी और लंबाई तो सेम है, सॉल्व करके के की वैल्यू आएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, कल का वो ये फिगर चेंज कर सकता है, सिलेंडर की जगह वो क्यूबॉइड भी दे सकता है, रूल सेम रहेगा इसमें, क्रॉस सेक्शन एरियाज की गेम है, तो इसमें एरिया पाई आर स्क्वायर, बचे हुए का एरिया माइनस करके, और इक्विवेलेंट एरिया पाई इनटू 2R का स्क्वायर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी, इसके अंदर क्या कैसे काम करना है, देखो इसके अंदर ये चैप्टर किस में डील करता है, देखो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, 200% आना है, एक तो शायद आएगा, एक होता है इसके बिना बनेगा ही नहीं पेपर, क्योंकि डायटोमिक मोनोटोमिक के कॉन्सेप्ट तो आते हैं, चाहे वो डायरेक्ट आए चाहे वो इनडायरेक्ट आए, मेडिकल में तो एक क्वेश्चन 100% केटीजी का पक्का है, नॉन मेडिकल के अंदर भी मेरे को पूरा चांस है कि केटीजी में से क्वेश्चन आना चाहिए। इसके अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहला फॉर्मूला नोट करें, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस, एक कंटेनर में अगर गैस है तो उसके मॉलिक्यूल उस कंटेनर की दीवार के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स से प्रेशर लगाएंगे, वो प्रेशर का फॉर्मूला नोट करें 1/3 रो वी स्क्वायर, वी के ऊपर बार है, वैसे बता देता हूं ये वी बार का मतलब है वी आरएमएस, ये आरएमएस है रूट मीन स्क्वायर, तो ये पहला फॉर्मूला है। तो एवरेज प्रेशर जो वॉल्स पे लगेगा वो 1/3 इंटू डेंसिटी रो और इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर लगेगा। ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट है देखो, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, जैसे ट्रैफिक चल रहा है सड़क पे तो ट्रैफिक की हर कार की वेलोसिटी गाड़ी की वेलोसिटी डिफरेंट है। अगर मैं पूछूं कि ज्यादातर गाड़ियों की स्पीड क्या है, आप बोलोगे 25 और 30 के बीच में है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, 25-30 के ऊपर गाड़ी चल नहीं सकती, कोई इक्का दुक्का चल गई वैसे नॉर्मली ट्रैफिक ज्यादा है, तो वो उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ट्रैफिक की। तो ऐसी मॉलिक्यूल्स की भी ज्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड जो अक्वायर करते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। एक होती है एवरेज स्पीड, सभी मॉलिक्यूल की स्पीड का एवरेज ले लो, एवरेज में एक प्रॉब्लम है,
वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर की जाने का मॉलिक्यूल और ऑपोजिट जाने का मॉलिक्यूल वेलोसिटी वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, जिस वजह से सही वैल्यूज ऑफ मीन वैल्यू सही कैलकुलेशन नहीं देती। तो हम क्या करते हैं, सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं और उसका अंडर रूट कर देते हैं। इसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं तो ज्यादातर कैलकुलेशन आरएमएस के साथ सही बैठती है। मैं इस चैप्टर के अंदर जब ये शीट लिखता हूं या कभी भी कैलकुलेशन करता हूं अपने माइंड में, आप जो मर्जी करें, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं जैसे मर्जी करें, पर मैं ये कन्वेंशन ये यूज करता हूं कि अगर मैंने छोटा एम यूज किया कहीं पर भी, तो वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। अगर मैं कैपिटल एम यूज करता हूं तो वो गैस का मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है। और अगर मैं गैस का मास यूज करता हूं, 15 ग्राम गैस है, 18 ग्राम गैस है, कुछ भी, तो उसका सिंबल मैं मास ही लिखता हूं। मैं एम और एम को काटना नहीं चाहता गलती से, क्या सिंबल दो, और कोई सिंबल ही नहीं है मेरे पास, मास के तो दो ही है, छोटा है बड़ा है। तो मैं अपने दिमाग में भी और कैलकुलेशन में भी मॉलिक्यूलर मास को तो हर कोई स्टूडेंट कैपिटल एम में लिखता है, मॉलिक्यूल के मास को स्मॉल एम में लिखेगा, गैस के मास को जब आप एम लिखते हो ना तो गलती से एम और एम कहीं कट जाता है। तो जहां जहां आप न्यूमेरिकल चेक करेंगे मेरा और गैस का मास यूज हुआ, मैंने सिंबल यूज ही नहीं किया, मैं एम मास ही यूज करूंगा। तो ये रूल याद हो गया, क्योंकि कंफ्यूजन मास में ही है, इसमें कहीं होती नहीं है। तो अब देखो, सबसे पहला फॉर्मूला मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये नोट कर सकते हैं। मीन वेलोसिटी में टी फॉर टेम्परेचर, क्योंकि स्मॉल एम है तो वन मॉलिक्यूल का मास है, पहला फॉर्मूला। एक और चीज नोट कर दें, इसका ये फॉर्मूला भी होता है, अगर मैं स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम यूज करूं, कैपिटल एम का मतलब मॉलिक्यूलर मास है, तो मुझे के की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, आर। तो दोनों फॉर्मूला इक्विवेलेंट है। ये जो फॉर्मूला है वो कैपिटल एम मींस मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में और एक मॉलिक्यूल के मास की फॉर्म में है। तो दोनों फॉर्मूलास क्या देते हैं, एवरेज स्पीड देते हैं, डेरिवेशन हमने करने नहीं है, एवरेज स्पीड है ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला वी आर एम एस, वी आर एम एस का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला 3RT/m। कैपिटल एम है तो मॉलिक्यूलर मास है, और इसका इक्विवेलेंट ये भी है, ये भी नोट करो, जब छोटा एम यूज करेंगे तो आर की जगह के हो जाएगा, और छोटे एम का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है। तो दोनों फॉर्मूला नोट करें प्लीज। यहां तक नेक्स्ट है, ये भी फॉर्मूला नोट करें वीआरएमएस का, 3PV/M, 3PV/M। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला नोट करें, ये फॉर्मूला है मोस्ट प्रोबेबल का, ये रहा, ये स्मॉल m की फॉर्म में है और कैपिटल m की फॉर्म में, ये दोनों फॉर्मूला नोट करें। पेपर में क्या आया, दो बार, दो तीन बार क्वेश्चन आया, मेन नीट दोनों में आपको ऑप्शन देगा, ये सीक्वेंस पूछता है कौन सी वेलोसिटी बड़ी और कौन सी छोटी, चेक कर लेना, पक्का मिलेगा आपको। तो आरएमएस वेलोसिटी सबसे बड़ी होती है, एवरेज छोटी होती है, और मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटी होती है, याद रखना है सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स देखो, न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे पहला न्यूमेरिकल ये,
मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कि ये स्पीड्स हैं, आपको मीन और आरएमएस निकालनी है। मीन तो एवरेज निकाल दो बात खत्म, आरएमएस निकालनी है तो सबका स्क्वायर लो और अंडर रूट लो आंसर। ठीक, पहला न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल, आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट सर्टन टेम्परेचर टी इज कितनी है, वी। तो आरएमएस वी है ऑक्सीजन की। टेम्परेचर को डबल कर दें और ऑक्सीजन गैस डिस एसोसिएट कर दें इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, तो आरएमएस स्पीड क्या है। तो ये आपके पास आरएमएस स्पीड है। तो अगर टेम्परेचर को डबल कर दें और मॉलिक्यूलर मास को एटॉमिक मास डिस एसोसिएट हो गया, तो एम की जगह क्या कर दें, एम बाई टू। तो आरएमएस ये रही, इसको इसको डिवाइड कर लें, ये तो क्वेश्चन में वी गिवन ही है, तो आंसर टू भी आ जाएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि पहली वेलोसिटी वी है और दूसरी वेलोसिटी वी डैश निकालनी है। ठीक है यहां तक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बराबर है, तो ऑक्सीजन का 32 है और हाइड्रोजन का 2 है। टेम्परेचर आपको ऑक्सीजन का पता है 47, और आपको टेम्परेचर हाइड्रोजन का निकालना है, निकाल लेना आंसर, आरएमएस को इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट है, कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27, देखो आरएमएस वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, याद रखना। टेम्परेचर जब 27 है तो आरएमएस भी 27 है। कह रहे टेम्परेचर बताओ दूसरे केस में जब आरएमएस डबल दी वेलोसिटी हो जाए, तो डबल का मतलब वी 27 इनटू 2, सॉल्व करके टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। तो सिंपल रूल है टेम्परेचर और वेलोसिटी का, ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, नेक्स्ट जो आपको करना है इसमें वो है मीन फ्री पाथ। मेडिकल में तो थोड़ा चांस कम, मैं कह नहीं सकता कुछ भी, नॉन मेडिकल में तो पक्के क्वेश्चन आ रखे हैं, पुराने प्रीवियस में मिल जाएंगे आपको। मीन फ्री पाथ है क्या, इसके फॉर्मूले नोट करने हैं। तो पहली चीज जो मैं कहूंगा तब नोट करना, पहले समझ लो। मीन फ्री पाथ है, मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं। मॉलिक्यूल जब रैंडम मोशन में होते हैं तो वो बाकी मॉलिक्यूल को टक्कर मारते हुए जाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल मान लो मैंने इसको टक्कर मारी, और फिर मैंने आगे जाके इसको टक्कर मारी, फिर आगे उसको टक्कर मारी, कोलिजन करता रहूंगा। जब तक मेरी कोलिजन नहीं होती तब तक मैंने जो पाथ कवर किया वो फ्री पाथ है, फ्री पाथ है, फ्री पाथ है, फ्री पाथ है, फ्री पाथ है। तो किसी ने पूछा सर आपका फ्री पाथ क्या है, वैल्यू बताओ। मैंने कहा देख कह नहीं सकता क्योंकि टक्कर कब हो जाएगी मुझे क्या पता, कभी डिस्टेंस में ज्यादा कवर करूंगा और कभी मैं कम भी कवर कर सकता हूं, मुझे क्या पता अगली टक्कर कब होगी। तो उसने कहा फिर एवरेज बता दो। तो एवरेज बताने में क्या करूंगा, मान लो मैंने टक्कर एक इसके साथ मारी, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, तो क्या करूंगा, पहले डिस्टेंस ये कैलकुलेट करूंगा लैम्डा वन, फिर लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, लैम्डा फोर, लैम्डा फाइव, तो टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, कितनी कोलिजन हुई मेरी, एक, फिर दो, तीन, चार और पांच, तो पर कोलिजन एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा, उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो मीन फ्री पाथ एवरेज डिस्टेंस है, कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का, टोटल नंबर ऑफ जो भी लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, अप टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मीन फ्री पाथ का, सिंपल लैम्डा बार है। तो इसको डराइव करें अगर हम करना नहीं है तो दो अजम्पशन है। एक अजम्पशन है जब मीन फ्री पाथ की डेरिवेशन निकलती है एक्चुअल में जब हम क्लास में करते हैं, उसमें ये मानते हैं कि आप सब तो रेस्ट पे रहेंगे मॉलिक्यूल्स, पर मैं अकेला मूव करूंगा तो मैं टक्करे मारता हो जाऊंगा, तो मीन फ्री पाथ इसके इक्वल आता है। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली हर कोई मोशन में होता है, और अगर इसको डराइव किया जाए तो यहाँ पर रूट टू भी आता है। रूट टू का मतलब सारे मॉलिक्यूल मोशन में लिए गए हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा मीन फ्री पाथ का जो हमें चाहिए होता है न्यूमेरिकल्स में। इसके अंदर डी का मतलब है डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल और एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, लिखवाऊंगा भी रुको। तो मीन फ्री पाथ इसके इक्वल है। डेंसिटी एम इंटू एन क्यों लिखते हैं, एम का मतलब है छोटा, एम का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इसको अगर मल्टीप्लाई करें एन, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, टोटल मास। टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो एम इंटू एन का मतलब क्या है यहां पर, डेंसिटी। तो यहां से एन की वैल्यू क्या आ गई, रो बाय एम। आप इस एन की वैल्यू को उठा के मीन फ्री पाथ में पुट करेंगे तो नया फॉर्मूला बनेगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी।
ये दूसरा फॉर्मूला भी नोट करेंगे इसे। उसी तरीके से वन मोल के लिए पी वी इक्वल टू आर टी, तो पी का ये फॉर्मूला आ गया, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आर और एन एक तरफ, एन और वी एक तरफ, आर बाई एन क्या होता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर का फॉर्मूला एन इंटू के इंटू टी आ गया, तो एन का फॉर्मूला यहां से निकाला और फिर मीन फ्री पाथ में पुट करके आंसर आ गया। तो अब आपने क्या नोट करना है, पहला फॉर्मूला ये नोट करें मीन फ्री पाथ का, पहला फॉर्मूला वेयर डी इज डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरा इसमें रो इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, इसमें टी इज टेम्परेचर एंड पी इज प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। तो ये मुझे नहीं पता कैसे यूज करेगा वो, क्या न्यूमेरिकल देगा, पर इन तीनों में से कुछ ना कुछ यूज करके आंसर पूछेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, तीन ये भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के लिख लो, बी फॉर बोल्ट्जमैन है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है।